हम इस समय ट्रेन नंबर 750 में हैं, जो कि लवीव से लेकर यूक्रेन की राजधानी कीव की ओर जाती है। लोग पलायन कर रहे हैं, बड़ी संख्या में भागने की कोशिश कर रहे हैं, यूक्रेन की सीमाओं को छोड़ने के प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि 10 दिन हो गए हैं युद्ध यहां पर तेज गति से आगे बढ़ता जा रहा है। वॉर जोन से लगातार आज तक आपके लिए तमाम रिपोर्ट्स लेकर आता है, और कीव जाकर हम जो पूरा मुकाबला है उसके गढ़ से आपको और रिपोर्ट्स आगे भी दिखाते रहेंगे। लेकिन सबके मन में यह सवाल उठता है कि अगर पूर्वी यूक्रेन में दो शहर ऐसे हैं जहां पर कुछ घंटों के लिए युद्ध विराम इसलिए कर दिया जाता है ताकि लोग वहां से बचकर निकल पाए, लेकिन दूसरी तरफ कीव, सुमी, चर्निहिव ऐसे शहरों में युद्ध तेज गति से और आगे बढ़ता रहता है, तो इसके मायने क्या निकलते हैं? क्या सचमुच में जो ज़ेलेंस्की कहते हैं कि यहां से निकलकर युद्ध की आंच अब बाकी के यूरोप को अपनी चपेट में लेगी? ये समझना बहुत जरूरी है, और हम आज आपको ये सारी बातें विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले 10वें दिन युद्ध में क्या क्या हुआ है वो आपको दिखाते हैं। युद्ध के 10वें दिन का हाल जानने से पहले देखिए 9वें दिन क्या हुआ। राजधानी कीव में 5 पत्रकार अपनी कार में जा रहे हैं, अचानक गोलियां चलने लगी। चलती गोलियों के बीच रिपोर्टर कह रहे थे रुक जाओ। ब्रिटिश न्यूज चैनल के 5 पत्रकार अपनी पहचान बताने की कोशिश करते हैं। ब्रिटिश जर्नलिस्ट Is everyone okay? You okay, Dom? लेकिन गोलियां दूसरी तरफ से चलना नहीं रुकती। खतरों के बीच में आज तक संवाददाताओं की टीम लगातार आप तक युद्ध के मैदान से हर खबर ला रही है। अधिकतर जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है और मीडिया है वो आपको लवीव शहर में ही दिखेगा। ये कीव के पास एक एयरफील्ड के पास धमाका हुआ है, एंड यू कैन हियर मोर ब्लास्ट्स दैट आर टेकिंग प्लेस। इस पूरे वॉर जोन के बीच असली संघर्ष यूक्रेन से यूरोप आने तक का था, जहां सुबह से पहले बड़े धमाके और बारूद की ऊंची रोशनी यूक्रेन के अलग अलग शहर में दिखती है। ये तस्वीर चर्निहिव, यूक्रेन के युद्ध के मैदान में सुबह फाइटर विमान रूस के धमाके करते हुए आगे बढ़ते। ये युद्ध के 10वें दिन राजधानी कीव से ही जुड़े इरपिन का वीडियो है। लेकिन एयर स्ट्राइक करते ऐसे ही रूस के फाइटर्स को यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम ढेर करने में भी जुटा है। ये तस्वीरें यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी की, जिसमें चर्निहिव में रूस के एक हेलीकॉप्टर को गिरा दिया गया है। सबसे ज्यादा बम अभी राजधानी कीव की जमीन पर ही गिर रहे हैं, इसके बाद चारों तरफ तबाही की तस्वीरें दिखती है। इसी त्रासदी से लोगों को बचाने के लिए कीव के आसमान में अलर्ट का सायरन गूंजता है, जहां मौजूद होते हैं आज तक संवाददाता राजेश पवार। जो रडार्स लगे हुए हैं, एयर डिफेंस रडार्स हैं या दूसरे जो रडार्स लगे हुए हैं एयर मूवमेंट को देखने के लिए, उन्होंने कोई मूवमेंट
उन्होंने कोई मूवमेंट देखी हवा में, चाहे वो जहाज हो सकते हैं, मिसाइल्स हो सकते हैं, और जब वो ये मूवमेंट रडार कैच करता है शहर से कुछ किलोमीटर दूर, 30, 40, 50, 60 किलोमीटर दूर, तो ये नागरिकों को चेतावनी देता है कि आप बॉम्ब शेल्टर में चले जाएं या कहीं शरण ले लें, जहां अगर एयर स्ट्राइक होती है आप सुरक्षित रह सके। इन एयर स्ट्राइक का मतलब ये है। ऐसे ही सायरन बजने की वजह बनते हैं रूस के एयर स्ट्राइकर, जिन्हें अब तक 200 से ज्यादा की तादाद में यूक्रेन की तरफ से रेल किया गया। ये तस्वीरें चेर्निहिव की हैं, जहां यूक्रेन की एयर डिफेंस स्पेशल फोर्स ने इस एयरक्राफ्ट को आग के गोले में बदल दिया। अब सवाल है कि 9वें दिन जो 34 किलोमीटर लंबा काफिला क्यू पर कब्जा करने निकला था, क्या वो क्यू पर कब्जा कर लेगा? क्या क्यू पर कब्जे के बाद यूक्रेन के दूसरे हिस्से में मौजूद लवीव तक रूस की सेना अपने शिकंजे में पूरे इलाके को लेने के लिए आगे बढ़ेगी? लवीव से आपको सीधे संवाददाता श्वेता सिंह इस विषय में बताती हैं। कि अगर हम पूरब और पश्चिम में बांटे यूक्रेन को, तो जो पूरब वाला हिस्सा हो जाता है, वहां के मुख्य शहर हो जाता है खारकीव, जो कि यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है कीव के बाद। बीचों बीच का हिस्सा समझ लीजिए कीव का, और जिस तरह से खारकीव उस छोर पर है, इस छोर पर लवीव हो जाता है। ये भी कई लोग गुंजाइश कहते हैं कि अगर जिस तरीके से रूसी फोर्सेस बढ़ रहे हैं, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर दबाव बनाते हुए, दक्षिण से उत्तर की ओर दबाव बनाते हुए, ऐसा लगता है कि कहीं ये तो नहीं होगा कि कीव तक का हिस्सा रूसी वर्चस्व का दिखेगा और जो बाकी हिस्सा है उसमें जो यूक्रेन समर्थित लोग हैं वो वहां पहुंच जाएंगे, और क्या लवीव वो एक तरह से नई राजधानी हो सकती है उस नई व्यवस्था की? लवीव अभी शांत है, लेकिन यहां से 1000 किलोमीटर दूर मेलिटोपोल में रूसी सेना के सामने सीना तान कर आगे बढ़ते यूक्रेन के नागरिकों को देखिए, जिन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए रूस के जवान गोली चला देते हैं। युद्ध के 10वें दिन मारियुपोल में स्थिति गंभीर बनी है। ऐसा क्यों है? पहले आपको संवाददाता गौरव सावंत ये बताते हैं, जो युद्ध क्षेत्र से ही लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। मारियोपोल पूर्वी यूक्रेन का डॉनबास के इलाके का एक बड़ा केंद्र है, और मारियोपोल से खबर यह आ रही है कि वहां के महापौर ने, वहां के मेयर ने एक अर्जेंट अपील की है, न केवल अपनी सरकार से बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समूह से भी, इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी, कि वहां पर सीज फायर कराए, क्योंकि लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। लगभग 1.5 दिन से मारियोपोल की सड़कों पर लड़ाई चल रही है, वहां पर टैंकों की लड़ाई हो रही है शहर के अंदर इस समय, और लोग बंकरों में पिछले 1.5 दिन से छिपे हैं। मारियोपोल में कुछ घंटे का सीज फायर इसीलिए किया गया ताकि लोग बाहर निकल सके, लेकिन दावा है इसके बाद फिर से गोलाबारी शुरू हो गई। यही हाल इरपिन का भी बना हुआ है, जो राजधानी कीव का हिस्सा है, जहां रूस की मिसाइल सीधे रिहायशी इमारतों पर गिरकर उन्हें धूल में बदल दे रही है। इस तरह पिछले 10 दिन की तस्वीर देखें तो एक भी दिन ऐसा नहीं जब युद्ध क्षेत्र में रत्ती भर भी शांति नजर आई। लगातार लड़ाई तेज हो रही है। दावा यह किया जा रहा है कि ये युद्ध सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहने वाला। यूक्रेन ढहेगा तो क्या यूरोप भी नहीं बचेगा? ये दावा यूक्रेन के राष्ट्रपति का है। क्या ये सच्चाई है कि यूक्रेन में होती ये लड़ाई यूरोप तक जा सकती है? यूक्रेन में लवीव से संवाददाता श्वेता सिंह, गीता मोहन और कीव से राजेश पवार के साथ गौरव सावंत। आज तक।